गुलबर्गा रिंग रोड खरगे पेट्रोल पंप से हमनाबाद सर्कल तक सर्विस रोड का काम शुरू किया गया है और आज एसडीपीआई लीडर्स ने इस वर्क का इंस्पेक्शन कर जायजा लेते देखे गए हैं। आज रफीक चौक से हागरगा रोड तक सफाई का काम चल रहा है और मजीद इलेक्ट्रिक पोल इंक्रोचमेंट और झाड़ों को हटाने के बाद रोड का काम शुरू किया जाएगा। एसडीपीआई लीडर्स ने यहां विजिट कर मीडिया से बात करते हुए कहा, हाल ही में हुए एक्सीडेंट के बाद इन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को मेमोरेंडम सबमिट कर 2 अक्टूबर से पहले सर्विस रोड बनाने का मुतालिबा किया था। इस मौके पर एसडीपीआई से रहीम पटेल, मोहसिन अहमद और दीगर लीडर्स मौजूद थे। मजीद इन एसडीपीआई लीडर्स ने एमएलए एमपी और कॉर्पोरेटर्स के ताल्लुक से क्या कहा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। मुसलसल खरगे पेट्रोल पंप से लेकर हमनाबाद सर्कल का रिंग रोड का मसला होंगे या उसका सर्विस रोड का पेंडिंग वर्क का मसला होंगे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मेमोरेंडम के जरिए से, एहतजाज के जरिए से ये जो पेंडिंग वर्क है इसको स्टार्ट करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। जब लास्ट मंथ बच्चे का एक्सीडेंट होने के बाद ये जो मुहिम है ये बहुत ज़्यादा इसको हम स्पीड अप करने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इस इश्यू को सीरियस लेकर सब लोग एक मुतहिद होकर जो सीरियसनेस दिखाना था वो सीरियसनेस अब महसूस हो रहा है। रिसेंटली हम देखें कॉरपोरेशन के तरफ से जितने भी इलीगल एंक्रोचमेंट हुए हैं उसका भी काम स्टार्ट हुआ है और जो कॉन्ट्रैक्टर जो अलॉट हुए हैं इस वर्क के लिए उनका भी काम आज से अलहमदिल्ला स्टार्ट हुआ है। उम्मीद करते हैं कि एज ए जो कलेक्टिव वर्क इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहे एमएलए होंगे, एमपी होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, सब मिलकर इसको एक टाइम बाउंड तरीके से अगर इसको काम कंप्लीट करें और क्वालिटी वर्क करें तो आवाम के लिए बहुत अच्छा है, वरना फिर एज ए अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हम लोग तो इसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं ही हैं। मैं गुजारिश करता हूँ अवाम भी, यहाँ के जो अवाम है, जो लोकल लोग हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होना है, एक प्रेशर बनाए रखना है और ख़ासकर जो कॉरपोरेटर्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके एक पावर्स अलग रहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से। ये ऑफिशियली मीटिंग बुलाकर ये डे टू एवरी वीक एक शेड्यूल बनाकर इसको मुकम्मल करने की कोशिश करना है, वरना एसडीपी एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोग अपना रोल निभा रहे हैं। अगर ये काम सिर्फ आई वॉश कर सिर्फ 2-3 दिन कर अगर फिर काम रोकेंगे तो हम फिर मेमोरेंडम देखो, फिर इमिडिएटली रास्ता रोको, हमारा जो कार्यक्रम है वो करने की हम चेतावनी देते हैं। सर कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि वो 1 साल के टाइम बाउंड में काम करने तैयार है लेकिन सभी का उनको सपोर्ट चाहिए, एनएचएआई का डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिल रहा है लेकिन जहाँ एनक्रोचमेंट है उन लोगों का सपोर्ट चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का सपोर्ट चाहिए। वो बेशक कॉन्ट्रैक्टर क्या कर सकते हैं, उनको जब पूरा क्लियरेंस होता है जबी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन उनको जो भी सपोर्ट होना है पब्लिक के तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जिम्मेदारी है कि सबको कलेक्टिवली बिठाकर एक मीटिंग कर एक उसका एक रोड मैप बनाकर कॉन्ट्रैक्टर को पूरी मौका दे कि अच्छा काम कर सके। जिस रोड के लिए, सर्विस रोड के लिए हम एक लगातार जद्दोजहद किए थे, रिसेंट लास्ट फ्राइडे को हम जा करके रिमाइंडर मेमोरेंडम हमने एनएचआई, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को हमने दिया था कि अगर ये काम स्टार्ट नहीं होता है तो हम 2 अक्टूबर को यहाँ पे रास्ता रोको करके रिंग रोड हाईवे को हम ब्लॉक करेंगे। ये बात हमारे डिस्कशन के बाद एनएचआई ने अश्योर किया था कि हम 1 से 2 दिन के अंदर काम स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ जहाँ यूटिलिटी फैसिलिटीज हैं हम उसको अवेल करते हुए वहाँ पे रोड वर्क स्टार्ट करेंगे और रिमेनिंग जो ट्रीज कट करने का है हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो जो चालान होता है उसके जो फी होता है वो हम भर चुके हैं, उन्होंने हमें वो डीडी तक का बताया। और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकल पोल्स का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो मामला है उसके लिए उन्होंने इस्टीमेशन मांगा है, इंशाल्लाह अनकरीब ये सारे काम हो जाएंगे। लेकिन हमारा डिमांड ये था कि अगर आप 2 तारीख से पहले स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम रास्ता रोको करेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट्स, जितने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे लोगों को हमने अश्योर किया था कि अगर आपकी तरफ से हमें क्लियरेंस मिल रहा है वी विल सपोर्ट यू 100%, अदरवाइज हम लोग एजिटेट करेंगे और रास्ता रोको करके हम
एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे।